बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार 26 मई को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें जनवरी के चुनाव के लिए ऑफर दिया गया था कि अगर वो अपने देश के अंदर एयरबेस बनाने की छूट देती हैं तो बिना किसी परेशानी के चुनाव करवाने दिया जाएगा। शेख हसीना ने ऑफर देने वाले देश या शख्स का नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने दावा किया कि यह प्रपोजल एक व्हाइट मैन की तरफ से आया था। पीएम हसीना ने कहा कि ऐसा लग सकता है कि इसका लक्ष्य केवल एक ही देश है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि वे और कहाँ जाने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा, वह देश और विदेश हर जगह लड़ाई लड़ रही हैं और बांग्लादेश से अलग एक नया देश बनाने की साजिशें अभी भी जारी हैं। पूर्वी तिमोर की तरह वे बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को बंगाल की खाड़ी में बेस के साथ लेकर एक ईसाई देश बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि उनकी अवामी लीग पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार हमेशा संकट में रहती है। अभी और परेशानी होगी, लेकिन इस पर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब प्रस्ताव रखने वाले श्वेत व्यक्ति के लिए उनकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया तो प्रधानमंत्री हसीना ने कहा, उन्होंने वही जवाब दिया जो उन्होंने 2001 में दिया था जब अमेरिका ने भारत को देश की गैस बेचने की पेशकश की थी। शेख हसीना ने कहा, मैंने साफ तौर से कहा है कि मैं राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हूँ। हमने अपना मुक्ति संग्राम जीता है। मैं देश का कोई हिस्सा किराए पर लेकर या किसी को सौंप कर सत्ता में नहीं आना चाहती। मुझे कोई अन्य देश और सत्ता की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, वह तभी सत्ता में आएंगी जब लोग चाहेंगे, और अगर वे उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते तो नहीं आएंगी। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में ट्रेड और कॉमर्स प्राचीन काल से चल रहा है। इस जगह पर कई लोगों की नजर है। इस जगह पर कोई विवाद नहीं है और किसी का कोई झगड़ा नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हसीना ने यह भी कहा कि उनकी सरकार को गिराने की साजिशें रची जा रही हैं और उन्हें वही नतीजे भुगतने होंगे जो उनके पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने झेले थे। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 15 अगस्त 1975 को उनके परिवार के ज्यादातर सदस्यों समेत हत्या कर दी गई थी। उस वक्त शेख हसीना विदेश में थी। प्रधानमंत्री हसीना ने यह भी कहा, बांग्लादेश उन देशों से कुछ भी नहीं खरीदेगा जिन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाए हैं। आपको बता दें कि साल 2009 से बांग्लादेश पर शासन कर रही 76 वर्षीय हसीना ने जनवरी में एक तरफा चुनाव में कुल मिलाकर 5वां कार्यकाल हासिल किया, जिसका पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बहिष्कार किया था।